हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हो एक नए सेशन में। तो हम सीजीपीएससी जो एसआई का जो मेंस के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है, इसके बाद इंग्लिश का आएगा। इंग्लिश का भी साथ ही साथ देखें, लगभग इंग्लिश से 75 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 में, अगर मेन्स के दिला रहे होंगे तो। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी से लगभग 125 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। तो हिंदी हिंदी का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और मेंस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जारी कर दिए इस मंथ तक यहाँ पे आपका एसआई का जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा व्यापम के द्वारा, तो इसलिए बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए। और आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर यहाँ मैं डिस्कस करूँ उसको भी देखिए, लेवल आपको समझ आए कैसे टाइप के क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाए, कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आपको समझ आएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखिए, हमारा थर्ड पार्ट है ये। बाकी जो दो पार्ट अपलोड हो चुकी है इसको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो लगभग 42 क्वेश्चन मैं सेकेंड पार्ट पर किया था, थर्ड पार्ट में 43 से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जड़, चेतन, जंगम या आपका डी है अचेतन, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जंगम। याद रखिएगा तो स्थावर जो शब्द है इसका विलोम शब्द यहाँ पे जंगम हो जाएगा। तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो जंगम, इसका सी ऑप्शन व्यापम के द्वारा लिया गया है। तो 2012 मेंस में क्वेश्चन को पूछा गया था हिंदी का। तो स्थावर शब्द का विलोम जंगम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? पताका क्या कहते हैं, जो हमारे झंडा है तिरंगा झंडा, इसको पताका कहते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है इसको पूछा गया है? तो केतु, मीन केतु, वृष केतु, धूम केतु, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केतु। तो पताका का पर्यायवाची आपका केतु हो जाएगा, इसको झंडा भी कहा जाता है। तो पर्यायवाची यहाँ पे पताका का पर्यायवाची पूछा गया है तो केतु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ पे 45 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो इनमें से जो शब्द दिया गया है देवपगा, हंसजा, सुरसरिता, विष्णुदो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हंसजा। याद रखिए हंसजा जो है आपके गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इस गंगा का पर्यायवाची आपका देवपगा है, सुरसरिता है, विष्णुपदी है, ये आपके गंगा का पर्यायवाची। बाकी जो हंसजा है आपके गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन नहीं है पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो शब्द है प्रत्यय से निर्मित नहीं है? मतलब प्रत्यय जो शब्द है इससे बना हुआ शब्द नहीं है। तो निर्माण, दिखावा, बनावट, लड़कपन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निर्माण जो शब्द है आपके प्रत्यय से निर्मित नहीं है, मतलब प्रत्यय जो शब्द से बना नहीं है। बाकी दिखावा, बनावट और लड़कपन ये आपके आपके जो शब्द प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। बाकी जो निर्माण आपके यह प्रत्यय शब्द से निर्मित नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन नहीं है पूछा गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, मात्रक किसे कहते हैं? तो वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को यहाँ पे मात्रक कहते हैं, या विराम चिन्हों को मात्रक कहते हैं, या वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को यहाँ पे मात्रक कहते हैं, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मात्रक किसे कहेंगे? तो मात्रक आपके वर्णों के जो उच्चारण में जब हम कोई वर्ण बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसमें जो लगने वाले समय को हम मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगा मात्रक का? तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय या अवधि को यहाँ पे मात्रक कहेंगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 48 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? मतलब जो यहाँ पे जो शब्द दिए है अति, अधि, इति, अप्र, इनमें से कौन सा जो उपसर्ग संस्कृत का नहीं है, मतलब संस्कृत से शब्द नहीं है वो जो यहाँ पे बना हुआ है? तो यहाँ पे जो इति लिखा हुआ है जो शब्द है यहाँ पे उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। बाकी अति, अधि और प्र, इसको हम उपसर्ग संस्कृत में पढ़ते हैं। बाकी जो इति है इसको उप जो इति जो शब्द है इसको उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। बाकी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी सही आंसर हो जाए, बाकी जो सी है ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी अन्य के पद या स्थान पर जो कार्यरत है उसे कहते हैं बदले पर कार्यरत, कार्यकारी, स्थानापन्न,
या अल्पकालीन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, स्थानापन्न। याद रखें तो जो किसी अन्य पद या स्थान पर जो कार्य करते हैं या कार्यरत है उसे हम स्थानापन्न कहते हैं। कहने का मतलब है जो जो व्यक्ति या किसी, जैसे मैं वहाँ पे काम करूँगा मेरे बदले कोई और करता है, इस पे आपका जो कार्यरत जो रहेगा उसको स्थापन्न का उदाहरण हो जाएगा। तो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है इसको क्वेश्चन को, तो स्थानापन्न इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आधा खिला हुआ फूल के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कली, पुष्प, मुकुल या आपका डी है पराग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुल। याद रखिएगा आधा जो खिला हुआ जो फूल होता है इसको हम एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, तो इसको हम मुकुल कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा, तो आधा खिला हुआ फूल के लिए जो शब्द बनेगा मुकुल बनेगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51। जो गाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो गीत, गेय, संगीत या आपका डी है गाना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गेय। तो जो गाया जा सके के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गेय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक शब्द में है जो गाया जा सके उसे गेय से परिभाषित करेंगे, तो इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो 52 क्वेश्चन देखते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, तो ज्ञानी, विवेकी, चतुर या दूरदर्शी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विवेकी। याद रखिएगा तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला जो यहाँ पर परिभाषा विवेकी हो जाएगा। तो उचित अनुचित जो ज्ञान रखते हैं आपको विवेकी व्यक्ति इसका ज्ञान रखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को चिन्हित करना, मतलब जो वाक्य अशुद्ध है उसको यहाँ पे चिन्ह करना है। तो विष्णु को अनेकों नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है या डी है आपका पत्र प्राप्त हुआ, तो इसका यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को चिन्ह करना है या अशुद्ध जो वाक्य इसको छाँटना है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य आपका विष्णु के जो अनेकों नाम है आपका अशुद्ध वाक्य है, तो इसको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, तो वैसे ठीक टाइप का क्वेश्चन है, वैसे सेम टू सेम। तो लड़का किताब लेकर दौड़ गया, बी है खाना बहुत सुंदर बना है, सी महादेवी जो वर्मा विद्वान लेखिका है, ये क्वेश्चन को बहुत बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, आपकी महती कृपा होगी, तो इसका यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध वाक्य को चयन करना है यहाँ पे, तो उसमें अशुद्ध बोला गया था और 54 में इसमें शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो शुद्ध अशुद्ध से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ में इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा आपकी महती कृपा होगी, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, यह बात हृदय में छिपा रखी थी, उसने लेखक को पढ़ लिया, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, डी उसे बहुत प्यास लगी थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन उसने लेखक को पढ़ लिया। ये आपका यहाँ पे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है इसको चिन्ह करना है, आप कौन सा है वाक्य उसको बताना है। तो उसने लेखक को पढ़ लिया आपके अशुद्ध वाक्य है, चिन्ह है, बाकी ए सी और डी आपके शुद्ध वाक्य है, तो इसका सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो शुद्ध अशुद्ध से हम 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो अशुद्ध वाक्य आपका उसने लेख को पढ़ लिया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांशों को प्रश्न 56 से लेकर 57 को उचित क्रम में व्यवस्थित करें, ताकि अनुच्छेद का अर्थ तार्किक और स्पष्ट हो, मतलब तार्किक से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं 56 क्वेश्चन है। जुकाम सर्दी के कारण नष्ट होने वाला जो समय हड़ताल से नष्ट होने वाला समय से अधिक है, दूसरा बोलता है अतः इसका जो उपचार अत्यंत अनावश्यक हो जाता है, थर्ड है एक सर्वेक्षण में यह पता चलता है कि जो सभी कर्मचारीगण प्रत्येक सप्ताह 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गंवा देते हैं, और चौथा है सामान्य लोग यही सोचते हैं कि सर्दी जुकाम घातक एवं संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है व्यवस्थित करके तार्किक अनुच्छेद तथा अर्थ तार्किक और स्पष्ट हो, ये मतलब यहाँ पे तार्किक शब्द दिया गया, इसको अर्थ के हिसाब से उसको जमाना है, तो यहाँ पे जमाएंगे। तो पहला 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4,
वन फिर टू, तो चौथा है आपका, सामान्य लोग यही सोचते हैं कि जो सर्दी जुकाम घातक एक संक्रामक नहीं है। फोर इसके बाद थर्ड हो जाएगा, एक सर्वेक्षण में यह पता चलता है कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक जो सप्ताह है 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गंवा देते हैं। फिर फर्स्ट हो जाएगा आपका जुकाम सर्दी के कारण नष्ट होने वाला जो समय हड़ताल में नष्ट होने वाले समय से अधिक है। सेकेंड है यह, अतः इसका जो उपचार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मतलब फोर थर्ड वन फिर टू, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं, 57। शिक्षाविदों ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता की मान्यता दी है जो इसे अच्छे ढंग से संपादित करती है। और दूसरा है आपका, इस कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। छोटे बच्चे की नई चीज़ों का जो कि प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। चौथा यही वह आ सकता है जो सीखने की ओर ले जाते हैं। ये आपके तार्किक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा और दूसरा। तो पहला है आपका, पहला दिया गया है, शिक्षाविदों ने यह अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता मान्यता दी है जो अच्छे ढंग से संपादित करती हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, थर्ड में आपका छोटे बच्चे की नई चीज़ों को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर इसके बाद आपका चौथा आ जाएगा। तो यही आवश्यकता है जो सीखने की ओर ले जाती है। मतलब इसको रिलेट करके आपको बनाना है। और इसके बाद लास्ट में सेकेंड आ जाएगा, इस कारण इस प्रणाली का उपयोग जो कि बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इसको आपको जमा के समझ नहीं आते, एक बार नहीं दो बार पढ़ी है, लेकिन इसको एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। आपको तार्किक ज्ञान से है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया जा रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वन थर्ड फोर्थ और टू, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब बनाना आपको कैसे है, तो इसको एक से दो बार रीड करेंगे, उसके हिसाब से उसको जमा के उसको बनाना है। तार्किक ज्ञान है, इसका सही अर्थ बैठाना है स्पष्ट रूप से, तो आपको ऐसे टाइप के बनाना है। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए, बाकी जो दो पार्ट है अगर नहीं देखे वो तो जाकर देख सकते हैं, कैसे टाइप के मेन्स से क्वेश्चन पूछे गए आपको समझ आ जाएगा। और सिलेबस पे जो कि डाल दिया हूँ, सिलेबस भी देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए मिलते हैं, और मैं डेली बेस पे करंट बेस पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट बेस भी पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूँगा, तो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में बना दूँगा, फिर आप वहाँ से तीनों पार्ट देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।